हे दोस्तों, अभी बहुत ही जल्द Vivo की तरफ से आपको Vivo V20 सीरीज देखने को मिल जाएगा, जो असल में Vivo V19 और 19 Pro का सक्सेसर है। और इस बार इस वेरिएंट में आपको तीन अलग अलग स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको Vivo V20 SE देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको Vivo V20 और उसके बाद Vivo V20 Pro आपको मिलेगा। तो इन तीनों ही स्मार्टफोन में आपको स्पेक्स में थोड़ा मोड़ा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Vivo V20 SE के बारे में। तो ये असल में सबसे लाइटर वेरियंट है, जिसका प्राइस भी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा इन दोनों फोन्स के मुकाबले। तो सबसे पहले इस फोन में आपको थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, पीछे में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, और वो भी एक ही अलाइनमेंट में। और इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहां पर आपको स्नैपड्रैगन 665 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा Vivo V20 SE के अंदर। तो ये प्रोसेसर असल में बिलो एवरेज या फिर मिड रेंज प्रोसेसर है, जो आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। और रैम और स्टोरेज की बात करें तो यहां पर आपको 8GB रैम, 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा, साथ में 4500mAh का बिग बैटरी मिलेगा, जिसके अंदर आपको 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इस फोन के अंदर आपको मिल जाएगा। और बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, तो आपको पता होगा कि Vivo V सीरीज में आपको हमेशा AMOLED डिस्प्ले ही देखने को मिल जाता है। जैसे आपको Vivo V19 या फिर 19 Pro के अंदर आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा था, ठीक उसी तरह से इस बार भी हमें लगता है कि Vivo V20 सीरीज के अंदर भी आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर जो डिफरेंस देखने को मिलेगा कि Vivo V20 SE के अंदर आपको एक ऊपर में नॉच देखने को मिलेगा, और बाकी जो दो वेरिएंट होगा इसके अंदर आपको पंच होल देखने को मिलेगा। तो यही मेन डिफरेंस आपको इन तीनों स्मार्टफोन में मिल जाएगा। और बात करें इसके कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर पीछे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जहां पर आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस Vivo V20 SE के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन जो Vivo V20 और 20 Pro होगा, उस फोन में आपको 44 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, और वो भी डुअल फ्रंट सेल्फी कैमरा सेटअप के साथ। और शायद आप सभी को पता होगा कि Vivo का जो V सीरीज है, इसके अंदर आपको प्रोसेसर उतना भी पावरफुल नहीं दिया जाता है प्राइस के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि इस बार भी आपको Vivo V20 सीरीज के अंदर उतना भी पावरफुल प्रोसेसर देखने को नहीं मिलेगा, और बाकी जितने भी स्पेक्स है वो आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, जैसे सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, साथ में बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगा, और कैमरा भी आपको बहुत ही अच्छा Vivo के फोन्स में देखने को मिल जाता है। तो इन सभी चीजों में आपको कोई भी कमी इस बार Vivo V20 सीरीज में नहीं मिलेगा, जस्ट प्रोसेसर में आपको थोड़ा मोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो मुझे जहां तक लगता है कि इस बार का जो Vivo V20 SE होगा, जो लाइटर वेरिएंट है, इसका प्राइस आपको इंडिया के अंदर 15,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। और बाकी जो दो स्मार्टफोन होंगे Vivo V20 और 20 Pro, इनके बारे में मैं आपको आगे चल के अपडेट दे दूंगा। तो ये तीनों ही स्मार्टफोन इसी महीने चाइना में सबसे पहले लॉन्च होगा, उसके बाद ये ऑफिशियली इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस फोन के बारे में क्या लगता है आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।